अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ कहानी आंटी सानिया और मैं आपको सुनाया करूँगी वो कहानियाँ जो मुझे बड़ी पसंद है। और आज जो कहानी मैं आपको सुना रही हूँ ना, उसका नाम है ईमान साइंसदान। भाई ईमान एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़की है, मुझे बड़ी पसंद है क्योंकि वो बहुत सवाल पूछती है। मुझे बहुत सवाल पूछने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। ये कहानी जिन्होंने लिखी है ना, जो इसके मुसन्निफीन हैं, उनका नाम है ज़हरा नासिर और मुजम्मिल पटेल। और जो तस्वीरें अब आप देखेंगे, उसकी जो मुसव्विरा हैं, यानी जिन्होंने वो तस्वीरें बनाई हैं, उनका नाम है मरियम अकील। तो भाई शुरू करें ईमान साइंसदान। बहार की एक खूबसूरत शाम थी, दरख्त खुशी से झूम रहे थे, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं और दुनिया खूबसूरत रंगों से भरी थी। ईमान ने आसमान में उड़ने वाली चीज़ों को देखा और सोचा, मैं क्यों नहीं? इंसान उड़ नहीं सकते, उसके दोस्तों ने कहा, तुम्हें कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मगर ईमान इतनी आसानी से हार मानने वालों में से ना थी। परिंदे कैसे उड़ते हैं, उसने गौर किया। ईमान ने दो बड़े बड़े से पर बनाए। वो एक ऊंचे दरख्त पर चढ़ गई और वहां से छलांग लगा दी, मगर ईमान उड़ ना पाई। अब कोई और तजुर्बा नहीं, अम्मी ने कहा, तुम्हें चोट लग जाएगी। मगर ईमान आसानी से छोड़ने वालों में से कहां थी। जहाज कैसे उड़ते हैं, उसने गौर किया। ईमान ने दोबारा अपने पर बांधे और इस दफा एक पंखा भी अपनी कमर से बांध लिया। तेजी से भागते हुए उसने फिर से छलांग लगाई, मगर ईमान उड़ ना सकी। बस अब और तजुर्बे नहीं, अब्बू ने कहा, तुम बेवकूफ लग रही हो। मगर ईमान आसानी से हार मानने वाली ना थी। गर्म हवा के गुब्बारे कैसे उड़ते हैं, उसने गौर किया। ईमान ने फिर अपने पर पहने, कमर से पंखा बांध लिया। इस बार उसने अपनी कमर से 10 बड़े बड़े गुब्बारे भी बांध लिए। पूरी तैयारी के साथ ईमान ने एक दफा फिर छलांग लगाई और आखिरकार एक खुशगवार लम्हे में उसके पैर जमीन छोड़ गए। अभी ईमान के पैर हवा में उठे ही थे कि पटाख, सारे गुब्बारे फट गए और ईमान फिर से उड़ने में नाकाम हो गई। ईमान रोने लगी, मैंने इतनी मेहनत की थी फिर भी नाकाम हो गई। मगर ईमान मेरी जान, ये ना भूलो, गिरने से पहले तुम उड़ी भी थी। असली साइंसदान ऐसे तजुर्बे करते रहते हैं, कोशिश करती रहो, एक दिन तुम जरूर उड़ सकोगी। और एक दिन ईमान साइंसदान ने अपना ख्वाब पूरा कर ही लिया।